जब तुम प्रसन्न रहते हो तुम्हारे मुखमंडल पर सुंदरता बढ़ती है। ये बिना क्रीम पाउडर की सुंदरता है। ये जो ऊपर से लीपा पोती होती ना क्रीम पाउडर की, ये तो बहुत क्षणभंगुर है। सुबह लीपो पोतो, शाम को पेंट उतर गई, शाम को फिर लीपो पोतो तो रात भर में उतर गई। अब कितने लोग तो रोज लिपाई पोताई चलाते रहते हैं। वास्तव बहुत झंझट काम है। ज्यादातर पुरुष लोग महिलाओं से नाराज होते हैं। कब नाराज होते हैं? जब उनको कहीं जाना होता है तो बार बार महिलाओं से कहते हैं, चलो देर हो रही, चलो देर हो रही, चलो देर हो रही। अब उनको ये पता नहीं कि वहां लिपाई पोताई शुरू है। तुमको क्या है, डाला पेंट निकल गए, तुम तो जिंदगी में कभी लिपाई पोताई की नहीं, सब खंडहर पड़ा। और वहां डेंटिंग पेंटिंग सेटिंग एक्टिंग सब चल रही है, एक एक बाल तो सुधारा जा रहा है, तुम्हारी खोपड़ी के बाल सब झड़ गए। तुम बता रहे हो, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। कैसे जल्दी चलो? किसी गांव में सत्संग था तो पति ने हरण बजाया तो उसकी पत्नी ने कुछ नहीं बोला, अंदर कमरे में तैयार हो रही थी। फिर दोबारा हरण बजाया तो उसने खिड़की खोला और पति को इशारा दिया कि श्रीमान जी तीसरी बार हरण मत बजाना, तैयार हो रही हूं, बस आ रहा हूं। तो 5 मिनट पति रुका, 5 मिनट बाद भी पत्नी नहीं आई तो फिर हरण बजाया तो उसने खिड़की खोला, पत्नी ने कहा सीट से उतर जाओ, अंदर आओ, तुमको हम समझा देते हैं। तो पति थोड़ा डरा भी, क्योंकि पति होने के बाद केवल पत्नी का ही डर रहता, बाकी डर सब खत्म। इसलिए पति होना भी हिम्मत का काम है। ये जो साधु बन जाते हैं ये सब हिम्मत टूट गई, भागे हैं जोर से। तो पति उतरा और धीरे धीरे गया कमरे में। तो पति होशियार था, उसने कहा क्या समझाओगी? तो पत्नी ने अलमारी खोला और साड़ी दिखाया कि 365 साड़ी लगी हुई है, इसमें जब मैं पहनती हूं तो वो साड़ी पहनती हूं जो शरीर पर मैच करती है, ब्लाउज के साथ मैच करती, चप्पल के साथ मैच करती, तो 7 साड़ी बदल चुकी, अब 8वीं नंबर है। और तुम हरण बजाए जा रहे हो, तुमको ये पता नहीं, तुम तो एक पैंट डालकर चल दीजिए फटीचर नाथ। आखिर मैं अगर इधर उधर साड़ी पहन लूं तो इज्जत तो तुम्हारी ही जाएगी। जब किसी को बताओगे कि मेरी धर्म पत्नी है तो लोग देखकर क्या कहेंगे, ऐसी धर्म पत्नी, इसलिए मुझे सजने धजने में, लिपाई पोताई में, सेटिंग डेंटिंग पेंटिंग और ये सब साड़ी वाड़ी में आधा घंटा तो लगेगा ही। हारन मत बजाना, बैठो उधर, नौकरानी से कह दो चाय पिला देगी, शांति रखो। पति को समझ में आया और उस स्त्री ने कहा कि पत्नी होना कोई साधारण बात नहीं, अगर तुम पत्नी होते तो पता चलता, ऐसे पता नहीं चलता। नारियों में 16 श्रृंगार होते हैं, पुरुषों में कोई श्रृंगार है? कुछ नहीं। इनका जो जो दाढ़ी मूछ है वो भी रोज कटाते पिटा देते हैं, कितने लोग तो खोपड़ी ही घुटा देते हैं, थोड़ा कंघा उंगा मारते थे घुटमुंडा हो गए। अभी फैशन आया है घुटमुंडा का, इतने फैशन है, हिप्पी कटाया,
वो चला गया। फिर थोड़ा इधर उधर काटा, बाईपास रोड बनाया, बीच में थोड़े बाल रखा, ऊपर उड़ रहे रुई जैसे चौराहा, वो भी धीरे धीरे खत्म। अब गुटमुंडा आया है, गुटमुंडा देखोगे तो लगेगा ये साधु ही मोड़ घटाए बैठा, साधु वाधु नहीं है, उपाधु है पूरा। बहुत फैसला, लेकिन शरीर को भी सुंदर रखो। शास्त्र कहते हैं कुचेले नम दंत मलोप धारण, अच्छे वस्त्र पहनना चाहिए। जिता सभा वस्त्र वता, मिष्टासा गोमता जिता, अध्वा जिता यानवता, सर्वे जिताम शीलवता। अच्छे वस्त्र पहनो, ठीक से कपड़े पहनो, उल्लुल जुल्लुल मत पहनो, लेकिन शरीर के साथ साथ जीवन का भी श्रृंगार करो। ये आपका जीवन, जीवन का श्रृंगार कैसे करोगे, इस जिंदगी को कैसे सजाओगे। भक्ति मानो जीवन का श्रृंगार है, सत्संग ब्यूटी पार्लर सेंटर है, सद्गुण तुम्हारे कान के कुंडल है, सदाचार तुम्हारे नाक का फूल है, और स्वाध्याय प्रवचन सुनने की भूख, ये तुम्हारे गले का हार है। प्रवचन सुन, जेही जेही ग्राम राम चली जाही, जिस जिस गांव में राम वनवास में निकलते थे, नर नारी सब दर्शन पाही, सभी नर नारी दौड़ दौड़ कर दर्शन करते थे। याद रखना, तुम्हारा दर्शन तब लोग करते हैं जब तुम कुछ ऐसा कर चुके हो जो सब कर नहीं सकते।